हाय एवरीवन, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ व्रत में खाए जाने वाला आलू की रेसिपी। तो आप इसे उपवास में बना करके खा सकते हैं, अच्छा लगता है, चटपटा सा। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। और मैं यहाँ पे ली हूँ 2 मीडियम साइज का आलू, और आलू को मैं उबाल ली हूँ और मैं इसे इस तरह से कट कर ली हूँ। आप चाहें तो इसे लंबे में भी कट कर सकते हैं। और मैं ली हूँ यहाँ पे 6 से 7 हरी मिर्ची, कड़ी पत्ते 10 से 12 और धनिया पत्ती। तो चलिए अभी चलती हूँ मैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैं पैन को गर्म कर ली हूँ और इसमें डालूँगी 2 बड़ा चम्मच देसी घी। आप देसी घी में ही बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है आलू। अगर आपको देसी घी नहीं पसंद है तो रिफाइंड ऑयल भी आप ले सकते हैं। तो घी यहाँ पे अभी मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 3 बड़ा चम्मच मूंगफली यानी सिंगदाना, और इसे अच्छे से चटका लूँगी यानी इसे भून लूँगी अच्छे से। तो इसे लगातार चलाते हुए स्लो आंच पे भून लेना है। तो सिंगदाना भी यहाँ पे अच्छे से चटक चुका है। आप चाहें तो इसे एक अलग बर्तन में निकाल लें, मैं इसे साइड में कर देती हूँ। और इसमें डालूँगी मैं 1/2 चम्मच जीरा, और जीरा को अच्छे से लाल हो जाने दूंगी। तो गैस को मैं यहाँ पे स्लो पे ही रखी हूँ ताकि सिंगदाना जले नहीं। और फिर मैं इसके बाद डालूंगी 6 से 7 बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हल्का सा भून लेना है हरी मिर्ची को भी। जीरा और मिर्ची यहाँ पे रोस्ट हो चुका है। अब इसमें सिंगदाना भी डाल देती हूँ और आलू भी डाल देती हूँ, और आलू को क्रिस्पी होने तक भून लूँगी। भुना हुआ आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे 5 से 6 मिनट तक भून लेने का। और यहाँ पे मैं डालूँगी उपवास का नमक। नमक डाल करके इसे अच्छे से चला लेना है ताकि आलू में नमक एक बराबर अच्छे से मिक्स हो जाए और आलू को अच्छे से क्रिस्पी कर लेने का चारों तरफ से। तो यहाँ पे आलू एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। जब इसे खाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आलू अभी एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी भुना हुआ सिंगदाना पाउडर। तो सिंगदाने को मैं भून ली थी और मैं इसे पीस ली हूँ। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 3 बड़ा चम्मच सिंगदाना पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो सिंगदाने पाउडर को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, आलू के ऊपर एकदम अच्छे से कोट कर लेना है, और ऊपर से डाल दें इसमें हरा धनिया पत्ती। इस आलू के अंदर जो कड़ी पत्ता, धनिया पत्ती और सिंगदाने का पाउडर है, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लीजिए, व्रत का आलू चाट बन करके रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इसी तरह से बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद रेसिपी पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए।